आज हमारे पास ये Asus Nitro का गेमिंग पीसी मदरबोर्ड आया है लैपटॉप रिपेयर करने के लिए। ये लैपटॉप दो से तीन जगह रिजेक्ट करके आया हुआ है, रिजेक्टेड लैपटॉप था ये। ये लैपटॉप में हमने अभी प्रॉपर देखा सब कुछ, तो इसमें 19 वोल्ट का लाइन शॉर्ट था, उसके बाद में BQ जो IC है 2478 ये BQ चार्जिंग IC भी ख़राब थी उसके अंदर, ये IC भी हमने रिप्लेस की है और इसके अंदर की शॉर्टिंग वगैरह भी निकाली है। अभी इसे ऑन करके हम देखते हैं, आप देख सकते हैं है। और आज का ये केस स्टडी यहीं पे खत्म हो चुका है। क्या है, कहीं भी आप लैपटॉप रिपेयर कर देते हैं तो उनका बैकग्राउंड देख के बहुत सारे केस में क्या होता है, नए नए लोग जो होते हैं मार्केट में फिंगरिंग पूरा करके उसको छोड़ देते हैं और बहुत सारा आपका महंगा पीसी आपका ख़राब हो जाता है। अभी ये भी ऐसा ही था, रिजेक्ट हुआ था और किसी ने उनको 35,000 का मदरबोर्ड पूरा रिप्लेसमेंट बनाया था। ये जस्ट ओनली 2,500 में मैंने बना के खरीद लिया है। शायद ये मेरे पास सबसे पहले आता अगर रिपेयर नहीं होता था तो ये शायद 1,000-1,200 में भी बन जाता था। तो ये चीज़ आप याद रखिए, करीबी भी लैपटॉप रिपेयर कर दीजिए वहाँ पे उनका रेफरेंस जो है आपका अच्छा होना चाहिए, रिपेयर करने को उनको आना चाहिए, ये सब देख के आप। थैंक यू।